हेलो बच्चों, चलिए तो भाई प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारे जो लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंसेस मेजर करने के डिफरेंट हमारी यूनिट्स थी उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर था हमारा और पार्सेक था। तो नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है, आर्टिकल 7, इसमें हम लोग अब देखने जा रहे हैं कुछ हमारी ऐसी भाई डिस्टेंसेज होती है जो अनअप्रोचेबल होती हैं, जिनको हम लोग डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते टेप से या किसी भी स्केल वगैरह से। तो उनके लिए हम इनडायरेक्ट मेथड्स को यूज करते हैं। इसमें से जो अनअप्रोचेबल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए जो मेथड हम यूज करते हैं वो आपके सामने है स्क्रीन पर। जैसे कि हम लोग यहाँ देखते हैं, इको मेथड हो गया, रडार मेथड हो गया, लेजर मेथड हो गया, सोनार मेथड हो गया, ये चारों जो है ये रिफ्लेक्शन मेथड हमारे कहलाते हैं। फर्दर जो अगला मेथड है हमारा ट्रायंगुलेशन मेथड, इसके बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफिंग कर दूं। यहाँ पे हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे इसको। तो जैसे कि आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था हाइट एंड डिस्टेंसेस के बारे में, तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे फंक्शन से आइडेंटिटीज को यूज करके हम लोग निकालते थे। आपने 11th में भी 12th में भी मैथमेटिक्स में आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़ते हैं, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंसेज और हाइट्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड एटसेट्रा। तो वही हमारा मेथड क्या कहलाता है, ट्रायंगुलेशन मेथड कहलाता है। और लास्ट हमारा है इसमें पैरेलेक्स मेथड। तो पैरेलेक्स मेथड हम लोग ये देखेंगे कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कोई अगर ऑब्जेक्ट होता है तो उसके रिस्पेक्ट में किसी फाइनाइट डिस्टेंस की हम लोग एंगल्स मेजर करते हैं, और उन एंगल्स की हेल्प से, जैसे थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, उसी फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग डिस्टेंसेस निकालते हैं। तो उस मेथड को हम लोग पैरेलेक्स मेथड बोलते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं भाई आगे, यहाँ पे देखते हैं। पहला है हमारा इको मेथड। तो इको मेथड हम लोग क्यों बोलते हैं कि जैसे हमने देखा कि अगर हम हिल स्टेशन वगैरह में होते हैं तो किसी पहाड़ी पे अगर हम खड़े हों और तेजी से आवाज लगाते हैं तो हमारी साउंड आगे जाके रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, ठीक है। तो इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, इको मेथड। ये मेथड हमारा बड़े बड़े जो हमारे हॉल्स होते हैं उनमें भी हमें देखने को मिलता है, वहां पे भी हमारी आवाज जो है वो गूंजती है, रेवरबरेशन होता है वहां पर। तो इस फिगर में पर्टिकुलरली मैं ये समझाना चाहता हूँ कि सपोज एक पर्सन है हमारे पास और ये हमने हमने देखा हिल है, तो अगर पर्सन कोई साउंड एमिट करता है तो ये साउंड हमारी एक्स डिस्टेंस चलकर हिल तक जाएगी, वहां से रिफ्लेक्ट बैक होके सेम डिस्टेंस कवर करते हुए फिर पर्सन तक आएगी। तो जो साउंड ने डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो कितनी डिस्टेंस हो गई, 2x यहाँ पर, ठीक है। और हमने मान लिया कि भाई टोटल टाइम हमारा यहाँ पे टी लगा है, जाने में भी साउंड के और आने में भी, और स्पीड ऑफ साउंड हमने बी मान ली है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं टी इज इक्वल टू 2x अपॉन बी। या फिर हमने देखा कि भाई डिस्टेंस अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा बी इंटू टी बाई 2। तो ये जो हमारा छोटा सा एक फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, तो इसी को हम लोग यूज करते हैं इको मैथड में। चलिए रिफ्लेक्शन मैथड से हमारे हम फर्दर आगे, यहाँ पे जो ये हैं तीन और, राडार, लेजर एंड सोनार मेथड्स, इनके बारे में जरा देखते हैं, इनके फुल फॉर्म्स देखते हैं। तो एब्रीवेशन हैं ये हमारे। तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि राडार जो मेथड होता है वो हम लोग जैसे प्लेन्स वगैरह की जो लोकेशन होती है उनको फाइंड आउट करने में करते हैं, यहाँ पे रेडियो वेव्स हम लोग अपनी यूज करते हैं। इसी तरीके से लेजर मेथड होता है, लेजर मेथड हमारे स्टार्स एंड प्लैनेट्स को हम लोग लोकेट करने के लिए हम वहाँ पे लेजर लाइट, जो लाइट हमारी लाइट की स्पीड से भाई रेडिएशन जाती हैं और रिफ्लेक्ट होके वापस आती हैं, उसको हम लेजर मेथड बोलते हैं। सोनार मेथड हम लोग जनरली जो सी बॉडीज होती हैं समुद्र के अंदर है ना, ओशंस में, जब हमें कोई लोकेशन पता करनी होती है किसी भी, जैसे भाई कोई चीज डूब गई है, शिप है वहां पे या सबमरीन्स वगैरह है, उनकी लोकेशंस को ट्रेस करने के लिए हम लोग सोनार मेथड यूज करते हैं, या डेप्थ ऑफ द सी निकालने के लिए भी हम सोनार मेथड यूज करते हैं। तो चलिए इनके फुल फॉर्म्स देखते हैं हम लोग। पहला है हमारा रडार। तो रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसमें फॉर्मूला वही हो जाएगा, डिस्टेंस जो निकालनी होगी सी इंटू टी अपॉन 2 हो जाएगा। सी यहाँ पे क्या हो गया, एक तरीके से स्पीड ऑफ लाइट हमने ले ली है, ठीक है। लेजर भी हमारा क्या होता है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म जरूरी है, इनको आपको पता होना चाहिए। फिर हमने देखा कि भाई सोनार मेथड हमारा बेसिकली क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग।
So it is used to locate objects inside the water bodies. Ultrasound is used in this method. तो इसमें हम लोग अल्ट्रासाउंड अपनी यूज करते हैं. यहाँ पर भी फॉर्मूला हमारा वही है, x is equal to v into t by 2. ठीक है, तो बच्चों मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गए होंगे आपको मेथड्स. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पैरेलेक्स मेथड. तो देखिए पैरेलेक्स मेथड में क्या होता है कि दिस मेथड इज यूज टू फाइंड आउट unapproachable distances by measuring the angles of an object from two different locations. These angles are measured with respect to a far located, मतलब infinite distance पे जो object होता है उसके respect में angles हम लोग measure करते हैं. So let us understand with the help of this figure. तो जैसा कि हमने यहाँ पे इस figure में देखा, particularly हमने मान लिया कि भाई हमारे पास कोई बहुत ही infinite distance पे कोई object है, और ये सपोज हमने अर्थ मान लिया. अर्थ का भाई जो डायमीटर है उसमें एक पॉइंट हमने ए ले लिया है, दूसरा पॉइंट हमने बी ले लिया है. तो हम देखते हैं कि ए से हमने जो फाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है ओ पर, उसका ये एंगल मेजर किया है किसके रिस्पेक्ट में, जो इनफाइनाइट डिस्टेंस वाला ऑब्जेक्ट है इसके रिस्पेक्ट में. तो ये एंगल हमारा थीटा वन आ गया है. और फिर हमने क्या किया भाई, बी पे पहुंच जाते हैं, फिर फाइनाइट जो ऑब्जेक्ट है उसके रिस्पेक्ट में हम ओ का एंगल देखते हैं, वो थीटा टू आ गया है. तो इस तरीके से भाई ये एंगल भी हमारे थीटा वन थीटा टू हो जाएंगे. तो क्योंकि हमें पता है कि भाई आर थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस होता है, तो अल्टीमेटली हम लोग कह सकते हैं कि दोनों एंगल्स का सम थीटा वन प्लस थीटा टू इज इक्वल टू ए बी अपॉन ओ ए हो जाएगा. इस तरीके से हम जो ऑब्जेक्ट है ओ उसके डिस्टेंस अर्थ से निकाल सकते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से. तो इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलेक्स मेथड बोलते हैं. क्लियर हो गया. चलिए तो अब हम आगे चलते हैं इस चैप्टर में हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट में. नेक्स्ट पार्ट हम लोग ये देखने जा रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस का. तो भाई डायमेंशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फिजिक्स में हमारा. तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि भाई इंट्रोडक्टरी फिजिक्स है हमारी. तो व्हाट आर द डायमेंशंस, तो डायमेंशंस बेसिकली क्या होते हैं कि जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं. तो बेसिकली जो बेसिक सिस्टम्स थे हमारे मेजरमेंट के, उनमें हमारे पास तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, लेंथ, मास और टाइम. तो उनके जो कैपिटल लेटर्स है, फर्स्ट लेटर्स, उनको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशंस ऑफ दीज पर्टिकुलर क्वांटिटीज. तो जैसे लेंथ का डायमेंशन हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, मास का एम से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम का हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं. तो हम लोग क्या, जैसे कि हमने पढ़ा था भाई स्टार्टिंग में फंडामेंटल एंड डिराइव क्वांटिटीज. तो अब बाकी जो क्वांटिटीज होंगी हमारी जिनको हम लोग डिराइव क्वांटिटीज बोलते हैं, उनको हम इन्हीं क्वांटिटीज को मिलाकर बनाते हैं. तो चलिए हम उनके भी डायमेंशनल फॉर्मूले कुछ क्वांटिटीज के निकालते हैं, और बाकी आप भी ट्राई कर सकते हैं घर पर, और उनको आप वर्कआउट कर सकते हैं कि भाई उनके डायमेंशंस क्या क्या हो जाएंगे. तो लेट अस सी, पहले सबसे पहले मैंने देखा एरिया का डायमेंशन क्या हो जाएगा. तो जैसा आप लोगों को पता है कि एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो बच्चों लेंथ एक तरीके से भाई मीटर में ही नापेंगे, ब्रेड्थ भी हम मीटर में नापेंगे, तो दोनों का डायमेंशन एल होता है. तो इस तरीके से एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, एल इंटू एल, या हम लोग बोलते हैं सिंपली एल स्क्वायर. इसको हम प्रॉपर अगर वे में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा m टू द पावर 0, l टू द पावर 2, t टू द पावर 0. ठीक है, अदरवाइज आप l स्क्वायर लिख के भी छोड़ सकते हैं, वो भी चलेगा. नाउ वेलोसिटी का अगर हम लोग देखते हैं डायमेंशन, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट का तो हो गया l, टाइम का हो गया t. तो इस तरीके से वेलोसिटी का आ गया lt माइनस 1. सिमिलरली एक्सीलरेशन का हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, या सिंपली वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो हम कह सकते हैं कि भाई वेलोसिटी का जैसे हमने वर्कआउट कर लिया एल टी माइनस वन, टाइम का हो गया टी, तो ये इसका वेलोसिटी वो एक्सीलरेशन का आ जाएगा एल टी माइनस टू, राइट. चलिए नेक्स्ट देखते हैं फोर्स. फोर्स इज इक्वल टू होता है हमारा मास इनटू एक्सीलरेशन. तो ये मास का तो भाई हमने एम लिख दिया है, और एक्सीलरेशन का आ गया एल टी माइनस टू. सो अल्टीमेटली द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स इज एम एल टी माइनस टू. इसी तरीके से अगर हम काइनेटिक एनर्जी का निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा हाफ एम वी स्क्वायर. बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि डायमेंशंस में जो कांस्टेंट क्वांटिटीज होती हैं, जैसे यहाँ पे हाफ है, तो हाफ का कोई रोल नहीं होता है. ठीक है, इसको हम ओमिट कर देते हैं. तो हमें यहाँ पे सिर्फ एम वी स्क्वायर, इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है.
तो कॉन्स्टेंट्स का डायमेंशन में कोई रोल नहीं है। तो हमने मास का यहाँ पे देखा एम आ गया है और बी का एल टी माइनस वन और उसका होल स्क्वायर कर दिया, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये डायमेंशनल फॉर्मूला वर्कआउट कर लिया। तो आपको पता होना चाहिए इसी तरीके से हमारी जो बाकी एनर्जीज होती हैं, जैसे पोटेंशियल एनर्जी है, वर्क है, कि भाई वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो उन तीनों क्वांटिटीज के, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क, इन सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही होगा। आप उनको ट्राई कर सकते हैं घर पर, ठीक है, निकाल के देख सकते हैं। चलिए, तो बच्चों हमने ये तो देख लिया कि भाई डायमेंशन क्या होती है और डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के हम कैसे वर्कआउट कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन हमें, हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई हम ये डायमेंशन क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं। तो भाई इनका अपना कुछ यूज भी है, तो वो यूज क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो डायमेंशंस के कितने यूज हैं? थ्री यूजेस। ठीक है, डायमेंशंस के तीन यूज होते हैं और वो क्या क्या हैं वो हम लोग समझें। तो पहला यूज होता है टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ ए गिवन फॉर्मूला। तो भाई अगर हमें कोई फॉर्मूला दिया हुआ है फिजिक्स में या कोई नया फॉर्मूला हमें मिलता है, तो हम लोग उसको डायमेंशंस की हेल्प से चेक कर सकते हैं कि क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है। दूसरा होता है टू कन्वर्ट द वैल्यूज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटीज फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। इसका मतलब ये होता है कि भाई जैसे हमने देखा कि वेलोसिटी हमारे किलोमीटर पर आवर में दी हुई है और उसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो हम आसानी से कर सकते हैं। हाँ, ये भी भाई आपके दिमाग में ये तो आएगा कि सर ये तो बहुत आसान है, तो मैं भी कर लूंगा। ठीक है, लेकिन हाँ, वेलोसिटी तो आप चेंज कर लोगे, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक्सीलरेशन आपको चेंज करना है, मीटर वो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में दिया हुआ है उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है या मीटर पर आवर में चेंज करना है, मतलब जो भी एक्स वाई जेड हो, तो आप उसको कैसे करेंगे। लेकिन हमारे पास और भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, उन सभी के मैग्नीट्यूड अगर हमें कन्वर्ट करने पड़ जाए, जैसे कि हमने देखा कि भाई एक जूल को अर्ध में चेंज करना पड़े, न्यूटन को हमें टाइम में चेंज करना पड़े, तो फिर हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड यूज हमारा ये होता है, इसका अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। तीसरा यूज होता है टू डिराइव द न्यू फिजिकल फॉर्मूला, नए फिजिकल फॉर्मूला डिराइव करना डायमेंशन की हेल्प से। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग जरा समझ लें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमारा क्या होता है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बेसिकली क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि डायमेंशंस में जैसे हमें मालूम होना चाहिए कि भाई जब भी हम भाई एल प्लस एल करेंगे तो वो भी एल हो जाएगा और एल माइनस एल करेंगे वो भी एल हो जाएगा। इसका सेंस ये है कि अगर हम लेंथ में लेंथ जोड़ दें, कोई दूसरी लेंथ जोड़ दें, तो हमें क्या मिलेगा? लेंथ ही मिलेगी। ठीक है, इसी में से, इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि भाई बड़ी वाली लेंथ में से या बड़ी वाली डिस्टेंस में से छोटी वाली डिस्टेंस हमने माइनस कर दी है, तो भी हमें क्या मिलेगा? डिस्टेंस ही मिलेगी। ठीक है ना, तो डायमेंशंस में ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एल्जेब्रिकली आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि भाई एम एल टी माइनस टू माइनस एम एल टी माइनस टू जीरो हो जाएगा। नहीं भाई, ये है फोर्स, ये भी फोर्स है, एक फोर्स में से दूसरा फोर्स माइनस कर दिया तो हमें फोर्स ही मिलेगा। इसी तरीके से एक फोर्स में दूसरा फोर्स हमने ऐड कर दिया है तो भी हमें फोर्स मिलेगा, और यही हमारा कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, दूसरी चीज ये भी, इसको और तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि फिजिक्स में हम लोग वही क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उन्हीं क्वांटिटीज को जोड़ सकते हैं, उन्हीं क्वांटिटीज को हम माइनस कर सकते हैं जो सेम है, जिसका नेचर सेम है। ठीक है, तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल कर रहा हूँ कि भाई 2 किलो आपके पास एप्पल है और आपके पास 3 आवर्स और 5 मिनट्स है, उनको जरा जोड़ के बताइए या उनको माइनस करके बताइए। तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये क्या कह रहे हैं, ये थोड़ी हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल। ठीक है, तो आपको ये पता लगा कि हाँ भाई हम उन्हीं क्वांटिटीज को जोड़ सकते हैं जो सेम नेचर है। हम 2 किलो एप्पल्स के साथ, ठीक है, 1 kg पोटैटो तो जोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम मास के साथ टाइम नहीं जोड़ सकते। हम मास के साथ मास जोड़ सकते हैं, मास में से माइनस माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हमें है हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं।
तो पहला यूज हम लोग देखने जा रहे हैं टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ ए गिवन फॉर्मूला। तो सपोज करिए कि हमें कोई फॉर्मूला दिया फोर्स इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर, जिसको हम लोग देखते हैं कि भाई सेंट्रीपेटल फोर्स हमारा जो होता है कि जब भी कोई पार्टिकल हमारा सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसके ऊपर टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है एम बी स्क्वायर अपॉन आर, जिसको हम सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। तो अब ये फॉर्मूला हमें भाई चेक करना है कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया एफ, और एफ का डायमेंशन हम देखेंगे, एफ का डायमेंशन क्या होता है, -2 होता है, तो आपने लिख लिया। अब आपने आर एच एस ले लिया, राइट हैंड साइड ले ली, भाई यहाँ पे एम बी स्क्वायर अपॉन आर आ गया, और यहाँ पे आपने इनके डायमेंशन रख दिए। तो ये देखिए एम, फिर एल टी -1 का होल स्क्वायर कर दिया, अपॉन एल कर दिया, ये भी काट पीट के आपका क्या आ गया, एम एल टी -2। आपने देखा जो एल एच एस का डायमेंशन है वही आर एच एस का डायमेंशन है, तो हम कह सकते हैं कि भाई हाँ ये फॉर्मूला हमारा करेक्ट है। चलिए इसका बी पार्ट हम लोग देखते हैं कि अगर हमें ऐसा कोई फॉर्मूला चेक करने वो आ जाए जैसे चेक द एक्यूरेसी ऑफ एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो इसमें हम देखेंगे एस तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, यू इनिशियल वेलोसिटी हो गई, टी टाइम हो गया है, ए हमारा एक्सेलरेशन हो गया है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एल एच एस लेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट मिल गया, डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशन होता है वो एल होता है, वो हमने लिख दिया यहाँ पे। अब हमने आर एच एस में ले लिया, आर एच एस 1 हमारे पास है यू टी, एंड आर एच एस 2 है हमारे पास हाफ ए टी स्क्वायर। तो भाई यू इंटू टी, यू जो है इनिशियल वेलोसिटी है, इसका डायमेंशन हो गया एल टी -1, इंटू टाइम कर दिया हमने, तो हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला आ गया एल। और हमने देखा कि भाई आर एच एस 2 जो है सेकंड पार्ट जो है राइट हैंड साइड में, इसमें हाफ ए टी स्क्वायर है, तो हाफ तो फिर भी कॉन्स्टेंट है, इसका कोई रोल नहीं है। अब हमने क्या किया कि एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला रखा एल टी -2, और टी स्क्वायर हो गया हमारे पास, तो ये भी एल आ गया। तो अब हमने टोटल आर एच एस निकाल दिया एल प्लस एल, तो एल प्लस एल कितना हो गया, एल 2L नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज कॉन्स्टेंट का कोई रोल नहीं होता। या हम ये कह सकते हैं कि भाई डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट प्लस डिस्प्लेसमेंट वो डिस्प्लेसमेंट ही होगा। तो यहाँ पर भी हमने देखा इस पर्टिकुलर केस में कि भाई एल एच एस और आर एच एस हमारे बराबर हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला भी हमारा करेक्ट है। तो ये जो पहला यूज था वो बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब हम सेकेंड यूज देखने जा रहे हैं टू कन्वर्ट द मैग्नीट्यूड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तो अगर हमें मैग्नीट्यूड कन्वर्ट करना हो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो उसको देखते कैसे करेंगे हम लोग। तो चलिए भाई हमने ले लिया यहाँ पे कि सपोज करिए कि एक वेलोसिटी है हमारे पास 108 किलोमीटर पर आवर, उसको हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। तो इन दिस केस हम लोग क्या लिख लेते हैं इसको, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि N1 और N2 तो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, या जिनको हम मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं। U1 U2 हमारी क्या है, दोनों सिस्टम में यूनिट्स हो जाएंगे, या जिनको हम डायमेंशनल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए N1 हमने लिख लिया, और जो यूनिट 1 है इसमें वेलोसिटी क्योंकि हमें यहाँ पे दी हुई है, तो वेलोसिटी का ही डायमेंशन रखेंगे। सबस्क्रिप्ट में हमने 1 1 लगा दिया है बिकॉज हम फर्स्ट जो हमारा सिस्टम है उसकी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, L1 एंड T1 टू द पावर टी की पावर होगी -1। इसी तरीके से राइट में आ गया N2, फिर L2 T2 टू द पावर -1 आ गया। अब बच्चों हमें N2 तो हमें निकालना है, लेकिन N1 हमें दिया हुआ है 108, ठीक है। तो चलिए भाई हमने यहाँ पे क्या किया कि N2 अगर हम देखेंगे तो N2 इज इक्वल टू आ जाएगा L1, और ब्रैकेट में आ गया है L1 अपॉन L2, फिर T1 अपॉन T2, और होल पावर आ गई है -1, ठीक है। तो ये आप रीअरेंज करके इसको लिखेंगे तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि आई थिंक तो क्लियर होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट सिस्टम जो था हमारा उसमें यूनिट है किलोमीटर पर आवर, लेकिन जो सेकंड सिस्टम है उसमें यूनिट है हमारी मीटर पर सेकंड। तो हमने क्या किया भाई, लेंथ जो हम फर्स्ट सिस्टम में नाप रहे वो किलोमीटर में है, तो उसको हमने 1 किलोमीटर रख दिया, और सेकेंड सिस्टम में जो लेंथ है वो हमारी 1 मीटर होगी। इसी तरीके से टाइम जो है फर्स्ट सिस्टम में 1 आवर हमने रख दिया है, और सेकेंड सिस्टम में 1 सेकेंड रख दिया है, टू द पावर -1 है। अब जैसे हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, हमने इसको लिख दिया 1000 मीटर अपॉन 1 मीटर, और ये 1 घंटे में सेकेंड कितने होते हैं, 3600 सेकेंड होते हैं अपॉन 1 सेकेंड हो गया है। तो
द पावर माइनस वन हो गया है, इसको अगर हम मैथमेटिकली अब सॉल्व करेंगे तो ये देखिए वैल्यू आ जाएगी 108 इंटू 1000 अपॉन 3600, विच कम्स टू 30 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे ख्याल से ये कन्वर्जन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मैग्नीट्यूड को कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। चलिए अब हम आगे चलते हैं बच्चों, टू डिराइव द फिजिकल, टू डिराइव ए न्यू फिजिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो फिजिक्स में हम फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे? तो इसके लिए हमने सपोज मान लिया कि हम एक फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करने जा रहे हैं, अज्यूमिंग दैट द सेंट्रीपिटल फोर्स एफ डिपेंड्स अपॉन द मास, वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ द पाथ, देन फाइंड द फाइंड आउट द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटीज। तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो मास के ऊपर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और रेडियस ऑफ द पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एम टू द पावर ए, वी टू द पावर बी, आर टू द पावर सी, या साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी में डाल देंगे तो कांस्टेंट लग जाएगा के। तो हमारे पास ये पास इक्वेशन आ गई है, इसका इम्पोर्टेंट रोल है, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं फोर्स, मास, वेलोसिटी एंड रेडियस, इनके डायमेंशनल फॉर्मूले हम निकाल लेंगे और इनकी जगह हम डायमेंशनल फॉर्मूले रख देंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ए बी सी ये हमारे आर्बिट्री वैल्यूज हैं जिनकी वैल्यू हमें अब फाइंड आउट करनी है बाय कंपेयरिंग बोथ एल एच एस एंड आर एच एस। ठीक है, तो चलिए भाई हमने देखे पुटिंग द डायमेंशन इन फर्स्ट, इसमें हमने डायमेंशन रख दी, तो फोर्स का डायमेंशन एवेंटी माइनस टू होता है इज इक्वल टू के आ गया, फिर मास का डायमेंशन एम हो गया, एम की पावर ए लिख दी हमने, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन होता है इसकी पावर बी लिख दी है, और रेडियस का एल होता है इसकी पावर हमने सी कर दी है। और अब हमने क्या किया है कि जैसे एम जो है मास, तो इसका ए हो गया क्योंकि एम और किसी में नहीं है, फिर एल की पावर हो जाएगी हमारी बी प्लस सी, बिकॉज एल इसमें भी है और इसमें भी है, इधर एल की पावर सी है, इसमें एल की पावर बी है, तो ये आ गया एल टू दी पावर बी प्लस सी, और टाइम का हमने ले लिया है, टाइम की टोटल पावर हो जाएगी माइनस बी। तो चलिए भाई अब हम क्या करेंगे, इधर भी हमने सेग्रीगेट कर लिया है मास, लेंथ, टाइम की पावर सबने अलग अलग कर दी है, तो अब हम मास की लेफ्ट वाली जो पावर है वही पावर हमारी राइट में भी होनी चाहिए, तो हमने कंपेयरिंग बोथ साइड कर दिया है, सो हियर वी कैन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी बाय कंपेयरिंग बोथ साइड। तो देखिए कंपेयर किया हमने, ए की वैल्यू आ गई हमारी वन, और बी प्लस सी जो एन की पावर है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो वन के बराबर हो जाएगा, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू वन कर दिया हमने। सिमिलरली माइनस बी इज इक्वल टू माइनस टू हो गया है, तो यहाँ से दो वैल्यूज तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारी आई गई है, ए इज इक्वल टू वन आ गया, बी इज इक्वल टू टू आ गया है, और अगर हम बी की वैल्यू इसमें डालेंगे तो सी की वैल्यू भी निकल आएगी, इस तरीके सी की वैल्यू आ गई हमारी माइनस वन। तो अब ये ए बी सी की जो वैल्यूज थे इनको हम कहाँ रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में जाके रखेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे रख दी वैल्यूज फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा हमारा पुटिंग द वैल्यूज इन फर्स्ट, तो एफ इज इक्वल टू आ गया के एम टू द पावर वन, बी टू द पावर टू, आर टू द पावर माइनस वन, इसको अगर हम पुट अप करेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर अपॉन आर आ गया हमारा। ठीक है, और हमने देखा फाइनली जो फॉर्मूला है वो एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारा सेंट्रीपेटल फोर्स के लिए। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है कि हियर के इज प्रोपोर्शनली कांस्टेंट फॉर दिस फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले के लिए के की वैल्यू हमारी कितनी होती है, वन होती है। तो बच्चों आपको मेरे ख्याल से यहाँ तक ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद फर्दर इस चैप्टर में हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट में एरर्स वाला पार्ट है, एरर्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज हम लोग अपना ये वीडियो यहीं पे क्लोज करेंगे, और इसके साथ ही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि भाई मोटिवेशन के लिए भाई हमें भी आपसे ये सहयोग चाहिए होता है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी की हुई मेहनत आप लोगों के काम आ सके और आप लोग यहाँ से कुछ सीख सकें हमसे। तो इसी के साथ मैं चलिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तो मिलते हैं अगले वीडियो में और इसके आगे के आर्टिकल्स लेके। थैंक यू।